नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने ही चैनल माहिदा टेकी पर। तो इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म, आ गई है हमारे पास फायरबोल्ट की अलमाइटी स्मार्ट वॉच। काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्ट वॉच है, यूज़ करके देख ले इसको अच्छे से, फुल ठोक बजा के टेस्टिंग कर ली अपने स्टाइल में कि भैया वॉच लेना आपके लिए सही रहेगा नहीं रहेगा। तो इसके बारे में कुछ खास चीज़ बता दूँ, मेटल बिल्ड के साथ में एमोलेड स्क्रीन के साथ में स्मार्ट वॉच आ रही है विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फंक्शन के साथ, साथ में ब्लूटूथ कॉलिंग भी है। और एक दो की फीचर इसमें आ गए हैं जो हम फायरबोल्ट की वॉचेस में मिस करते थे, वो भी आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ। चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो एक खूबसूरत सा बॉक्स हमारे सामने है, की फीचर्स बॉक्स के फ्रंट में ही एक्सप्लेन है। उसके साथ साथ देख सकते हैं 454x454 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, साथ में 11 स्पोर्ट्स मोड, मैसेज रिमाइंडर, स्मार्ट नोटिफिकेशंस। MRP इसकी 14999 है। और अब जल्दी से जरा बॉक्स को ओपन करके देखते तो वाइट पैकेजिंग में बॉक्स हमको देखने को मिलता है इस बार, और ये अंदर खूबसूरत सी स्मार्ट वॉच है हमारे सामने। बॉक्स के कंटेंट की बात करें तो Z5 की सब्सक्रिप्शन, गाना की सब्सक्रिप्शन, बोल्ट एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन, वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड और मैग्नेटिक पोगो पिन चार्जिंग केबल यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर इसका यूज़र मैनुअल है, और इस बार जो एप्लीकेशन है स्मार्ट टाइम प्रो है जिसपे फायरबोल्ट इनविंसिबल भी थी, और मैनुअल के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दी गई हैं आप सबको। उसके बाद जरा वॉच को अगर अब हम देखते हैं स्टिकर उतार के, तो काफ़ी प्रीमियम लुक आ रही है वॉच के ऊपर। पूरा जो ग्लास जो है पूरा बॉर्डर तक ग्लास ही है इसका। यहाँ पे आप लाउडस्पीकर और माइक की प्लेसिंग देख सकते हैं, पूरी शाइनी बॉडी है काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ में। बैक जो है मैट फिनिश में इसमें देखने को मिलती है। 1.39 इंचेस की इसकी स्क्रीन है, एमोलेड डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिलता है। पूरी मेटल बॉडी है इसकी, 22mm का सिलिकॉन का स्ट्रैप है, और स्ट्रैप जो है पीछे थोड़ा टेक्सचर है तो थोड़ा सा गंदा होने के चांसेस ज़्यादा है। वेट दोस्तों इसका थोड़ा ज्यादा है, 62 ग्राम्स। तो इसको फटाफट से ऑन करके देख लेते हैं। तो देखिए काफी खूबसूरत सा एमोलेड डिस्प्ले हमारे सामने है, पहनने पर भी वॉच काफी अच्छी लगती है, काफी प्रीमियम लुक्स है। लुक्स में इससे काफी इंप्रेस हुआ हूँ, बस ये छोटी रिस्ट पर अच्छी नहीं लगेगी, मीडियम और बड़ी रिस्ट के लिए सुटेबल है। रेड रिस्ट टू वेकअप का रिस्पॉन्स भी इसका काफी अच्छा है, लेस देन हाफ सेकेंड में जो है डिस्प्ले इसका ऑन हो जाता है। ये इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला वॉच फेस है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जब आप इनेबल करते हैं तो रेड रिस्ट टू वेकअप का फीचर इसमें भी काम नहीं करता है। फीचर्स की बात करें, देखिए राइट को स्वाइप करते हैं तो एक्टिविटी ट्रैकर, हार्ट रेट मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर इसमें इस बार दे दिया गया है, तो फायरबोल्ट की ऐप में इस बार स्ट्रेस मॉनिटर भी आ गया है, म्यूजिक कंट्रोलर है, बाकी कॉलिंग के लिए जो सारे ऑप्शंस होते हैं। ऊपर से स्वाइप करते ही ब्राइटनेस होगी, कॉलिंग कनेक्शन, D&D मोड सेटिंग्स। ऊपर स्वाइप करते हैं तो नोटिफिकेशंस, वापस लेफ्ट को स्वाइप करते हैं तो सेम वही फीचर्स दिख जाते हैं। बटन दबाते हैं तो हार्ट रेट मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर, वर्कआउट रिकॉर्ड, SPO2 अलार्म, डायल पैड, स्टॉप वॉच, टाइमर, कैमरा कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, फीमेल साइकिल ट्रैकर, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। BP मॉनिटर भी यहाँ पे दिया गया है। अलार्म की अगर बात करते हैं तो आप वॉच के अंदर अलार्म को नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और स्टॉप वॉच की अगर बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छी खबर है कि इसमें लैप आप ऐड कर सकते हैं, तो फिटनेस वालों के लिए अच्छी खबर है। सेटिंग्स में देखिए ब्राइटनेस है, आप एडजस्ट करते हैं, D&D मोड है, स्टैंड बाय डायल मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसमें एक ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब जरा पेयरिंग की बात करें दोस्तों, तो आपको स्मार्ट टाइम प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो फायरबोल्ट इनविंसिबल में भी चलती थी। ऐड डिवाइसेस में जाएंगे तो कहेगा भैया पहले सारी सेटिंग वेटिंग आप कर लो कि ये बैकग्राउंड में रन होती रहे, पावर ऑप्टिमाइजेशन ऑन ना हो। उसके बाद जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो ये आपकी पेयर हो जाती है वॉच, ये BT 3.0 जरूर पेयर करना, इसी से आपकी कॉलिंग एक्टिवेट होगी। मैसेज पुश में आप SMS को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके अलावा आपके इनकमिंग कॉल के अलर्ट होंगे, एंटी लॉस, D&D अलार्म क्लॉक, सेडेंटरी रिमाइंडर, और यूनिट ऑफ मेजर आप सेट कर सकते हैं। आपको मेट्रिक चाहिए, एम्पेरियल, तो ये मेट्रिक चलता है इंडिया के अंदर। वाइब्रेशन कितनी बार होनी चाहिए, बैक लाइट जो है आपकी कितनी देर तक ऑन रहनी चाहिए, कॉलिंग वॉचेस में ज़्यादातर इतनी लंबी देर तक ऑन नहीं रहती है, बैटरी सेव करने के लिए। शेड्यूल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं जो आपको वॉच में दिख जाएगा। ये फीमेल साइकिल ट्रैकर है, हेल्थ केयर आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज सेटिंग है, फर्मवेयर अपग्रेड किया था लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन ही था हमारे पास। फिर कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जितने भी आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट्स हैं जो वॉच में ही आ जाएंगे तो आप उनको फटाफट से डायल कर सकते हैं। अब जरा सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर चेक करके देख, फिर से नहीं किया दोस्तों तो एक बार मैंने दूसरी बार ट्राई किया कि करते नहीं करते, तो फटाफट से रिस्पॉन्स आ जाता है इसमें कि भाई हम नहीं करने वाले।
हार्ट रेट मॉनिटर की एक्यूरेसी दोस्तों काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, लगभग ऑक्सीमीटर से डेटा मैच है। और जैसे जैसे ऑक्सीमीटर में रीडिंग्स बढ़ने लगती हैं, मैंने गहरी सांस लेना शुरू किया, तो वैसे वैसे वॉच में भी बढ़ रही थी। रिस्पॉन्स थोड़ा वॉच में धीरे था, लेकिन एंड ऑफ द टाइम जब हमने रीडिंग स्टॉप की तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेटा मैच हो गया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर अगर SpO2 की रीडिंग की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उससे मैच थी ऑक्सीमीटर से, और आप देख सकते हैं कि SpO2 के टाइम पे भी हार्ट रेट यहाँ पे दिख जाता है वॉच के अंदर, और आप देख सकते हैं डेटा बिल्कुल ही मैच हो रहा है यहाँ पे। तो एक्यूरेसी में यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है स्मार्ट वॉच ने। आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, काफी ब्राइट डिस्प्ले है इसका, मेरे ख्याल से 400 प्लस इसकी ब्राइटनेस यहाँ पे देखने को मिलने वाली है हमको, और काफी क्लियर है डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी। डस्ट एंड वाटर प्रूफिंग की बात करें तो ये IP67 सर्टिफाइड है, मतलब 1 मीटर तक गहरे पानी में लेके जा सकते हैं। हैवी रेन हैवी स्प्लैशेस से आप इसको जरूर बचा कर रखें। सैंड प्रूफ एंड डस्ट प्रूफिंग भी इसमें देखने को मिलती है। हेलो। हाँ, तो अब दोस्तों हम इसको वॉच को बाहर लेके जाते हैं फोन से, तो इसकी कनेक्टिविटी रेंज अब हम टेस्ट करेंगे। तो अब हम ये तकरीबन 10 फुट आ चुके हैं। आवाज़ आ रही है भारती? थोड़ा तेज बोलो। अच्छा, इतना तेज बोल दिया, रूम से ही बाहर आवाज आ गई। अब हम ये तकरीबन 20 फुट दूर आ चुके हैं वॉच से। आवाज़ आ रही है? अच्छा, बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, यहाँ भी बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज़, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है अब? अब देखिए यहाँ पे आवाज़ जो है ब्रेक हो रही है। नोटिफिकेशन लेंथ की बात करें तो आपको मीडियम साइज के नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, मतलब 7-8 लाइन जो होती है व्हाट्सएप की, वो आपको यहाँ पे पढ़ने में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी काफी अच्छा काम किया है वॉच ने। नीचे वाले बटन से स्पोर्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। 11 स्पोर्ट्स मोड इस वॉच में है। स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। मैं पहले 200 स्टेप्स चला तो 191 कैप्चर किए, फिर 210 स्टेप्स चला तो 211 कैप्चर हुए वॉच में, 400 स्टेप्स चला टोटल तो 397 स्टेप्स कैप्चर हुए, और 600 स्टेप्स में 590, तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी निकली है पेडोमीटर की। तो दोस्तों जब मैं मोबाइल ऐप में जाके स्क्रीनशॉट्स लेने लगा वर्कआउट डिटेल्स के, तो पता चला कि यार इसमें तो कनेक्टेड GPS भी है, तो मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ। तो पहले जो दो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, मैंने छत पे वॉकिंग करी थी तो इसलिए उसका रूट मैप ऐसा आ रहा है। फिर मैं स्पेशली वॉच को लेके गया बाहर, थोड़ा एक चक्कर काट के आया, तो तीसरा स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं राइट साइड में, तो ये कमी भी यहाँ पे पूरी हो गई। आपको पूरा रूट का मैप देखने को मिलेगा आपके वर्कआउट का। वॉच फेसेस की बात करें तो आपको यहाँ पे बिल्ट इन 6 वॉच फेस देखने को मिले, तो और एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से तो वॉच फेस लग के काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। वॉच फेसेस अगर ऐप के बात करें तो ऐप में आपको 50 वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, ना एक कम ना एक ज़्यादा, पूरे 50 ही मैंने गिन लिए अच्छे से। कस्टम वॉच फेस का सपोर्ट मुझे इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, एक बार फिर से और अच्छी तरीके से देखो, मुझे कोई ऑप्शन ऐसा दिखा नहीं जहाँ पे कस्टम वॉच फेस लगा सके। फिर ये देखिए मोबाइल ऐप के अंदर आप जैसे कैलोरीज का डाटा देख सकते हैं किस टाइम कितनी कैलोरीज बर्न हुई, फिर ये डिस्टेंस का डाटा आता है किस टाइम कितना डिस्टेंस आप चले, फिर ये स्पोर्ट्स मोड का डाटा आता है। तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली जो मैंने आपको बताया था कि वर्कआउट का जो है मैप भी देखने को मिलता है, तो कनेक्टेड GPS था यहाँ पर, और उसके बाद ये हार्ट रेट देखिए कितना अच्छे तरीके से एनिमेटेड होकर यहाँ पे शो होता है पूरा, जैसे ECG आप चेक कर रहे हो। तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे SpO2 का डेटा, स्लीप का डेटा, प्रेशर मॉनिटर मतलब ये स्ट्रेस का डेटा है यहाँ पे, तो वो भी अच्छे से शो होता है किस टाइम आप कितना स्ट्रेसफुल थे। How is the weather today? Please call Kamal. Kamal. Calling Kamal Mobile.
एमोलेड स्क्रीन होने की वजह से बैटरी बैकअप यहाँ थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखेंगे, साथ में कॉलिंग भी रेगुलर यूज करेंगे, 2 से 3 दिन बैटरी आपकी चल जाएगी आराम से, और 5 से 6 दिन चल जाएगी अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी कम यूज़ करते हैं और कॉलिंग का भी कम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वॉच तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, मतलब मज़ा आ गया इसका रिव्यू करने में, और इसकी कुछ अच्छी बातें बताते हैं। सबसे पहले आपको इसकी लुक्स, बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, ऐसा लगता है कि आपने कोई 12-15 हज़ार की वॉच ले रखी है हाथ में, मतलब पहन के भी वैसा फील आता है, और इसकी पूरी की पूरी जो क्वालिटी है काफ़ी ज़बरदस्त है। लेदर स्ट्रैप वेरिएंट आप इसका लेंगे, ब्राउन लेदर वाला देखेंगे तो आपको बिल्कुल यही लगेगा जैसे ऑनर मैजिक वॉच टू आपने पकड़ी हुई है। उसके बाद बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी की, तो एज यूजल एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है, बस स्लीप ट्रैकर में थोड़ी सी निराशा हाथ में लगी है, मुझे लगता है मेरी स्लीप को ही कुछ हो गया है, लास्ट 8-10 वॉचेज में मेरा स्लीप ट्रैकर सही नहीं आ पा रहा है। उसके बाद बात करते हैं कनेक्टेड GPS इसमें देखने को मिल गया, जो कि मच अवेटेड फीचर था, हम फायरबोल्ट की वॉचेज में मिस करते थे, तो फिटनेस के लिए भी हम इन वॉचेज को इसको रिकमेंड कर पाएंगे। उसके बाद जो है स्ट्रेस मॉनिटर इसमें ऐड हो गया है। फिर बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो कमाल का बैटरी बैकअप है, बहुत कम बैटरी कंज्यूम हुई है इसके अभी तक, तो मैंने आपको बता भी दिया था कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ कितनी चलेगी, और मेजर इनकी जो डिपेंडेंसी होती है कॉलिंग वॉचेज की, आप कॉलिंग कितनी यूज़ करते हैं उस हिसाब से ही बैटरी आपकी चलेगी। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी कॉल क्लैरिटी की, तो रेंज काफ़ी अच्छी देखने को मिली, जनरली 20 फुट पे जो है सिग्नल लॉस्ट हो जाता था, कनेक्शन हट जाता था, इसका 25 फुट तक भी हल्की सी ब्रेक आवाज़ आ रही थी, लेकिन आ रही तो मतलब 20 फुट तक आपको क्लियर कट आवाज़ सुनने को मिलने वाली, और स्पीकर भी इसका अच्छा था। फिर बात करते हैं इसकी मोबाइल ऐप की, तो जो स्मार्ट टाइम प्रो एप्लीकेशन इनविंसिबल के लिए भी वो यूज़ हो रही थी, तो इसमें जो है और ज़्यादा रिफाइंड हो गया है, वो जो हेल्थ मेन्यू है उसका वो काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर रखा था, और खास करके जो वर्कआउट के अंदर आप जाते हैं सारी डिटेल्स वर्कआउट की देख पाते हैं, मैप रूट वगैरह सब देख पाते हैं वर्कआउट का, वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उसके बाद बात करते हैं जो चीज़ें इसमें और अच्छी हो सकती थी, एक तो जो IP67 है, मुझे समझ नहीं आता सारी की सारी कॉलिंग वॉचेज में IP67 क्या होता है, किसी भी कंपनी की ले लो ज़्यादातर IP67 पर ही आती हैं। उसके बाद बात करते हैं वॉच फेसेस, इसमें सिर्फ अभी 50 देखने को मिले, नॉट श्योर कि आगे आएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट्स या नहीं आएंगे। उसके बाद जो इसका स्लीप ट्रैकर मैंने आपको बताई दी, और इसमें अगर ऑटो ब्राइटनेस होता तो ये एक किलर स्मार्ट वॉच बन जाती, ऑटो ब्राइटनेस को हम काफ़ी मिस कर रहे हैं स्मार्ट वॉच के अंदर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, मुझे तो ये स्मार्ट वॉच काफ़ी अच्छी लगी है। अभी ये लॉन्च होने वाली है 1-2 दिन में फ्लिपकार्ट पे, 6,499 लगभग इसका प्राइस रहने वाला है, तो आप जाके वहाँ से खरीद सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, बाय बाय।